ये लिस्ट देख लीजिए, एंटीबायोटिक की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं आपकी सल्फानामाइड्स, जैसे कि सल्फाडाइजाइन, डैप्सोन और पैस। सल्फानामाइड्स होती है सल्फाडाइजाइन, डैप्सोन और पैस। डाई अमीनो पिरिमिडीन्स होती है आपकी ट्राईमेथोप्रीम एंड पाइरीमेथामिन। डाई अमीनो पिरिमिडीन्स होती है ट्राईमेथोप्रीम एंड पाइरीमेथामिन। क्विनोलोन्स होती है आपकी नेलिडिक्सिक एसिड, नॉर्फ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और गैटीफ्लोक्सासिन। क्विनोलोन्स होती है आपकी नेलिडिक्सिक एसिड, नॉर्फ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, गैटीफ्लोक्सासिन। बीटा लैक्टम्स होती है आपकी पेनिसिलिन, कीफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम। बीटा लैक्टम्स होती है पेनिसिलिन, कीफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम एंड कार्बापेनम, ठीक है ना। नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन दवाई होती है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाई होती है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं क्लोडामफेनिकॉल। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स होते हैं क्लोडामफेनिकॉल। एमिनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन और नियोमाइसिन। एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एमिकासिन और नियोमाइसिन। मैक्रोलाइड्स होती है आपकी एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। मैक्रोलाइड्स होती है आपकी एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। लिंकोसामाइड्स होती है लिंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। लिंकोसामाइड्स होते हैं लिंकोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। ग्लाइकोपेप्टाइड होते हैं वैनकोमाइसिन और टेकोप्लेनिन। ग्लाइकोपेप्टाइड्स होते हैं वैनकोमाइसिन और टेकोप्लेनिन। ऑक्सजोलिडिनॉन होती है आपकी लाइनेजोलिड। ऑक्सजोलिडिनॉन होती है लाइनेजोलिड। पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं पॉलीमाइसिन बी, कोलिस्टीन, बेसिट्रोसिन और टायरोथ्रीसिन। पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं पॉलीमाइसिन बी, कोलिस्टीन, बेसिट्रोसिन और टायरोथ्रीसिन। नाइट्रोफ्यूरेंटोइन डेरिवेटिव होते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और फ्यूराजोलिडोन। नाइट्रोफ्यूरेन डेरिवेटिव्स होते हैं नाइट्रोफ्यूरेंटोइन और फ्यूराजोलिडोन। नाइट्रोइमिडाजोल्स होते हैं मेट्रोनिडाजोल और टीनिडाजोल। नाइट्रोइमिडाजोल होते हैं मेट्रोनिडाजोल और टीनिडाजोल। निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं आइसोनियाजिड, पाइराजिनामाइड और एथियोनामाइड। निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं आइसोनियाजिड, पाइराजिनामाइड और एथियोनामाइड। पॉलीइन एंटीबायोटिक्स होते हैं निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी और हेमाइसिन। पॉलीइन एंटीबायोटिक्स होते हैं निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी और हेमाइसिन। एजोल डेरिवेटिव्स होते हैं मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल एंड फ्लुकोनाजोल। एजोल डेरिवेटिव्स होते हैं मिकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल और फ्लुकोनाजोल। अदर दवाइयाँ होती है रिफैम्पिसिन, स्पेक्ट्रिनोमाइसिन, सोडियम फ्यूसिडेट, साइक्लोसेरीन, वायोमाइसिन, इथैम्बुटॉल, थियासिटाजोन, क्लोफाजिमिन एंड ग्राइसोफल्विन। अदर दवाई होती है रिफैम्पिन, स्पेक्टिनोमाइसिन, सोडियम फ्यूसिडेट, साइक्लोसेरीन, वियोमाइसिन, इथैम्बुटॉल, थियासिटाजोन, क्लोफाजिमिन और ग्राइसोफल्विन, ठीक है ना। अब मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। सिल्वर सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं पेनिसिलिन, कीफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरीन, वैनकोमाइसिन एंड बेसिट्रोसिन। सिल्वर सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं पेनिसिलिन, कीफेलोस्पोरिन, साइक्लोसेरीन, वैनकोमाइसिन और बेसिट्रोसिन। तब सेल मेम्ब्रेन से लीक कराती है पॉलीपेप्टाइड्स जैसे कि पॉलीमाइसिन, कोलिस्टीन और बेसिट्रोसिन और पॉलीइंस जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और हेमाइसिन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से लीक कॉज करते हैं पॉलीपेप्टाइड्स जैसे कि पॉलीमाइसिन, कोलिस्टीन, बेसिट्रोसिन और पॉलीइंस जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और हेमाइसिन। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है टेट्रासाइक्लिन, क्लोडामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लाइनेजोलिन। प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती है टेट्रासाइक्लिन, क्लोडामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन और लाइनेजोलिन, ठीक है ना। उसके बाद मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए और परमियबिलिटी दोनों को रोकती है एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। मिसरीडिंग ऑफ एमआरएनए और परमियबिलिटी को अफेक्ट करती है आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। डीएनए गाइडेंस को इनिबिट करती है फ्लोरोक्विनोलोन जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन। डीएनए गाइडेंस को इनिबिट करते हैं फ्लोरोक्विनोलोन जैसे कि सिप्रोफ्लोक्सासिन। डीएनए फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है रिफैम्पिन और मेट्रोनिडाजोल। डीएनए फंक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं रिफैम्पिन और मेट्रोनिडाजोल। डीएनए सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं एसाइक्लोविर और जिडोवुडिन। डीएनए सिंथेसिस के साथ इंटरफेयर करते हैं एसाइक्लोविर और जिडोवुडिन। इंटरमीडियरी मेटाबोलाइट्स के साथ इंटरफेयर करते हैं सल्फानामाइड, सल्फोन्स, पैस, ट्राईमेथोप्रीम, पाइरीमेथामिन और इथैम्बुटॉल। इंटरमीडियरी मेटाबोलाइट्स के साथ इंटरफेयर करते हैं सल्फानामाइड्स, सल्फोन्स, पैस, ट्राईमेथोप्रीम, पाइरीमेथामिन और इथैम्बुटॉल। नाउ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेस करके एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड, एरिथ्रोमाइसिन। एंटीबैक्टीरिया होते हैं पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और एरिथ्रोमाइसिन। एंटीफंगस होते हैं ग्राइसोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी और कीटोकोनाजोल। एंटीफंगस होते हैं ग्राइसोफल्विन, एम्फोटेरिसिन बी और कीटोकोनाजोल। एंटीवायरस होते हैं एसाइक्लोविर, एमेंटाडिन और जिडोवुडिन। एंटीवायरस होते हैं एसाइक्लोविर, एमेंटाडिन और जिडोवुडिन। एंटीप्रोटोजोन्स होते हैं क्लोरोक्विन, पाइरीमेथामिन, मेट्रोनिडाजोल और डाइलॉक्सनाइड, ठीक है ना। एंटीप्रोटोजोन होती है क्लोरोक्विन, पाइरीमेथामिन, मेट्रोनिडाजोल और डाइलॉक्सनाइड। एंटी हेलमिंथिक्स होते हैं मेबेंडाजोल, पाइरेंटेल, निक्लोसामाइड और डाइथल कार्बामाजीन। एंटी हेलमिंथिक्स होते हैं मेबेंडाजोल, पाइरेंटेल, निक्लोसामाइड और डाइथल कार्बामाजीन।
Now, based on spectrum of activity, narrow spectrum only the other penicillin G, streptomycin or erythromycin. Narrow spectrum only the other penicillin, streptomycin or erythromycin. Broad spectrum only the other tetracycline or chloramphenicol. Broad spectrum only the other tetracycline or chloramphenicol. Based on type of action, they can get bacteriostatic hotia, sulfonamide, tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, ethambutol, clindamycin, or linezolid. Bacteriostatic hotia, sulfonamide, tetracycline, chloramphenicol, erythromycin, ethambutol, clindamycin, or linezolid. Bacteria Cidal hote penicillin, aminoglycoside, polypeptides, rifampin, isoniazid, pyrazinamide, kefalosporin, vancomycin, nalidixic acid, ciprofloxacin, metronidazole or cotrimoxazole. Bactericidal hoti aapki penicillin, aminoglycoside, polypeptides, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, kefalosporin, vancomycin, nalidixic acid, ciprofloxacin, metronidazole or cotrimoxazole. ठीक है ना, अब ऑरिजिन के बुनियाद पे फंजाई से बनती है पेनिसिलिन, किफेलोस्पोरिन और ग्राइसोफल्विन. फंजाई से बनती है पेनिसिलिन, किफेलोस्पोरिन और ग्राइसोफल्विन. बैक्टीरिया से बनती है पॉलीमाइक्सिन बी, कोलिस्टीन, बेसिट्रोसिन, टायरोथ्रिसिन एंड एस्ट्रियोनाम. बैक्टीरिया से बनती है पॉलीमाइक्सिन बी, कोलिस्टीन, बेसिट्रोसिन, टायरोथ्रिसिन एंड एस्ट्रियोनाम. एक्टिनोमाइसिस से बनती है एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स और पॉलीइंस. एक्टिनोमाइसिस से बनती है एमिनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, मैक्रोलाइड्स और पॉलीइंस. नो स्पेशल साइड इफेक्ट्स देखेंगे. एमिनोग्लाइकोसाइड जो थे एट नर्व को ब्लॉक कर देते हैं और किडनी की टॉक्सिसिटी कॉज करती है. एमिनोग्लाइकोसाइड एट नर्व को खराब बना देते हैं और किडनी की टॉक्सिसिटी कॉज करती है. टेट्रासाइक्लिन लिवर टॉक्सिसिटी और किडनी टॉक्सिसिटी और एंटी एनाबोलिक इफेक्ट दिखाती है. टेट्रासाइक्लिन जो थे लिवर टॉक्सिसिटी, किडनी टॉक्सिसिटी और एंटी एनाबोलिक इफेक्ट दिखाती है. क्लोरामफेनिकॉल बोन मैरो डिप्रेशन दिखाती है. क्लोरामफेनिकॉल बोन मैरो डिप्रेशन दिखाती है. पॉलीमाइक्सिन बी न्यूरोटॉक्सिसिटी और रेनल टॉक्सिसिटी दिखाती है. पॉलीमाइक्सिन बी न्यूरोटॉक्सिसिटी और रेनल टॉक्सिसिटी दिखाती है. वैनकोमाइसिन हियरिंग टॉक्सिसिटी और किडनी टॉक्सिसिटी दिखाती है. वैनकोमाइसिन हियरिंग टॉक्सिसिटी और किडनी टॉक्सिसिटी दिखाती है. एम्फोट्रेसिन बी किडनी टॉक्सिसिटी, बोन मैरो टॉक्सिसिटी और न्यूरो टॉक्सिसिटी दिखाती है. एम्फोट्रेसिन बी किडनी टॉक्सिसिटी, बोन मैरो टॉक्सिसिटी और न्यूरो टॉक्सिसिटी दिखा रही होती है. अब हम लोग सुपर इन्फेक्शन उसके ट्रीटमेंट देखेंगे. सबसे पहले कैंडिडा एल्बिकन, ये कॉज करती है मोनिलियल डायरिया, थ्रश और वल्वो वेजिनाइटिस. और इसके ट्रीटमेंट में देते हैं निस्टेटिन और क्लोट्रिमाजोल. ठीक है ना, कैंडिडा एल्बिकन्स कॉज करते हैं मोनिलियल डायरिया, थ्रश और वल्वो वेजिनाइटिस. और ट्रीटमेंट में देते हैं निस्टेटिन एंड क्लोट्रिमाजोल. ठीक है ना रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकस एंटेराइटिस कॉज करते हैं और ट्रीटमेंट में क्लोक्सासिलिन देते हैं. रेजिस्टेंस स्टैफिलोकोकस एंटेराइटिस कॉज करते हैं और ट्रीटमेंट में क्लोक्सासिलिन देते हैं. क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल स्यूडोमेम्ब्रेनस एंडोकोलाइटिस कॉज करती है और ट्रीटमेंट में मेट्रोजिल और वैनकोमाइसिन दे रहे होते हैं. क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल स्यूडोमेम्ब्रेनस एंडोकोलाइटिस कॉज करते हैं और ट्रीटमेंट में मेट्रोजिल और वैनकोमाइसिन देते हैं. प्रोटियस जो होते हैं वो यूटीआई और एंटेराइटिस कॉज करते हैं और ट्रीटमेंट में किफेलोस्पोरिन और जेंटामाइसिन देते हैं. प्रोटियस जो होते हैं वो यूटीआई और एंटेराइटिस कॉज करते हैं और ट्रीटमेंट में किफेलोस्पोरिन और जेंटामाइसिन दिया करते हैं. स्यूडोमोनास जो होते हैं वो यूटीआई और एंटेराइटिस कॉज करते हैं, ट्रीटमेंट में कार्बेनिसिलिन, पिपेरासिलिन और जेंटामाइसिन दिया करते हैं. स्यूडोमोनास जो होते हैं यूटीआई और एंटेराइटिस कॉज करते हैं, ट्रीटमेंट में कार्बेनिसिलिन, पिपेरासिलिन और जेंटामाइसिन दिया करते हैं. इन्फेक्शन को मास्किंग ऑफ इन्फेक्शन देखने वाले हैं. एक डोज पेनिसिलिन सिफिलिस को मास्क कर देती है. एक डोज पेनिसिलिन सिफिलिस को मास्क कर देती है. स्ट्रेप्टोमाइसिन की ट्रीटमेंट टीबी को मास्क कर देती है. स्ट्रेप्टोमाइसिन की ट्रीटमेंट टीबी को मास्क कर देती है. हम लोग रेनल फेलियर देखेंगे. रेनल फेलियर में किस किस की डोज घटानी होती है? एमिनोग्लाइकोसाइड की, किफेलोस्पोरिन की, वैनकोमाइसिन की, एम्फोट्रेसिन बी की, इथेम्बुटोल की और फ्लूसाइटोसिन की. रेनल फेलियर में किसका डोज घटानी होती है? एमिनोग्लाइकोसाइड की, सिफेलोस्पोरिन की, वैनकोमाइसिन की, एम्फोट्रेसिन बी की, इथेम्बुटोल की और फ्लूसाइटोसिन की. ठीक है ना, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर रेनल फेलियर में किसकी डोज घटानी होती है? मेट्रोजिल की, कोट्रिमोक्सोजोल की, एस्ट्रोनम की, मेरोपेनेम की, कार्बेनिसिलिन की, फ्लोरोक्विनोलोन की, क्लेरिथ्रोमाइसिन की और इमिपेनेम की. फिर से देखिए, मॉडरेट टू सीवियर रेनल फेलियर में किसकी डोज घटानी होती है? मेट्रोजिल की, क्लोट्रिमोक्सोजोल की, एस्ट्रोनम की, मेरोपेनेम की, कार्बेनिसिलिन की, फ्लोरोक्विनोलोन की, क्लेरिथ्रोमाइसिन की और इमिपेनेम की. और रेनल फेलियर में किसको अवॉइड करनी होती है? कि सिफेलोथ्रिन को, नैलिडिक्सिक एसिड को, नाइट्रोफ्यूरन को, टैलम्पिसिलिन को और टेट्रासाइक्लिन को, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन को. ठीक है, रेनल फेलियर में किस किस को अवॉइड करनी होती है? सिफेलोथ्रिन को, नैलिडिक्सिक एसिड को, नाइट्रोफ्यूरन को, टैलम्पिसिलिन को और टेट्रासाइक्लिन को, एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन को. लीवर फेलियर में किसको अवॉइड करनी होती है? एरिथ्रोमाइसिन को, पाइराजिनामाइड को और टैलम्पिसिलिन को. लीवर फेलियर में किसको अवॉइड करनी होती है? एरिथ्रोमाइसिन को, पाइराजिनामाइड को और टैलम्पिसिलिन को. लेकिन लीवर फेलियर में किसका डोज घटानी होती है? टेट्रासाइक्लिन की, नैलिडिक्सिक एसिड की, पेफ्लोक्सेसिन की, क्लोरामफेनिकॉल की, मेट्रोजिल की, क्लिंडामाइसिन की, आइसोनियाजिड की और रिफैम्पिसिन की. किस किसकी डोज घटानी होती है लीवर फेलियर में? टेट्रासाइक्लिन की, नैलिडिक्सिक एसिड की, पेफ्लोक्सेसिन की, क्लोरामफेनिकॉल की, मेट्रोजिल की, क्लिंडामाइसिन की, आइसोनियाजिड की और रिफैम्पिसिन की.
अब एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देखिए, माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विस अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, या फिर पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या फिर जेंटामाइसिन विद सिफेलोस्पोरिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, और मेट्रोजिल दे रहे होते हैं अगर एनिरोप के शक कर रहे हो तो। फिर से देखिए, माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विस अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन विद स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, या फिर जेंटामाइसिन विद सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, और अगर एनिरोप का शक हो रहा है तो मेट्रोजिल दे सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विस अवेलेबल है लेकिन डिले अनएक्सेप्टेबल है, जैसे कि मेनिनजाइटिस और सेप्टिसेमिया में, तो इसमें हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं, या फिर टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, या फिर पेनिसिलिन विद स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, या फिर जेंटामाइसिन विद सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं। अगर माइक्रोबायोलॉजिकल सर्विसेज अवेलेबल है लेकिन डिले एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है तो फिर हम लोग जैसे कि मेनिनजाइटिस और सेप्टिसेमिया, तो इसमें हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन दे सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन विद स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, फिर जेंटामाइसिन विद सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं। लेकिन माइक्रोबायोलॉजिकल फैसिलिटी अवेलेबल है और ट्रीटमेंट हम लोग डिले कर सकते हैं, जैसे क्रॉनिक यूटीआई, उसमें सिर्फ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ही चलती है। माइक्रोबायोलॉजिकल अवेलेबिलिटी अगर है और ट्रीटमेंट हम लोग डिले कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक यूटीआई के केस में, तो उसमें सिर्फ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ही चल रहे होते हैं। अगर दो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट कंबाइन कर देने से उन दोनों की एमआईसी 25% तक घट जाए तो सिनर्जिज्म है, 25 से 50% तक घट जाए तो फिर एडिटिव इफेक्ट है, अगर 50% से भी बड़ी हुई रह जाए तो फिर एंटागोनिज्म है, ठीक है ना। अगर दो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को अगर हम लोग मिला के दे रहे हैं तो इंडिविजुअल दोनों का एमआईसी अगर 25% तक घट जाए तो ये सिनर्जिज्म है, 25 से 50% तक घट जाए तो फिर एडिटिव है, और अगर फिर भी एमआईसी 50% से ज़्यादा ही रहे तो ये एंटागोनिज्म है। यहाँ पे बोल रहे हैं एक बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई के साथ दे रहे हैं तो हमेशा एडिटिव इफेक्ट दिखा रही होती है। फॉर एग्जांपल, टेट्रासाइक्लिन विथ क्लोडामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन विथ एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोडामफेनिकॉल विथ एरिथ्रोमाइसिन। एक्सेप्शन है सल्फोनामाइड विथ ट्राइमेथोप्रिम, ये सुपर एडिटिव इफेक्ट दिखाती है और साइडल बन जा रही होती है। फिर से देखिए, एक बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई को दूसरे बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई के साथ अगर दे रहे हो तो वो तुम्हारी एडिटिव इफेक्ट दिखाती है। एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन विथ क्लोडामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन विथ एरिथ्रोमाइसिन एंड क्लोडामफेनिकॉल विथ एक्सेप्शन है तुम्हारी सल्फोनामाइड विद ट्राइमेथोप्रिम, ये तुम्हारी सुपर एडिटिव इफेक्ट दिखाती है जिसमें ये तुम्हारी साइडल एक्शन दिखा रही होती है। फिर बोला जा रहा है एक बैक्टीरिसाइडल दवाई को अगर एक बैक्टीरिसाइडल दवाई के साथ दे रहे हैं तो या तो एडिटिव इफेक्ट दिखा सकती है या फिर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखा सकती है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलिन या फिर एम्पीसिलिन विद स्ट्रेप्टोमाइसिन या जेंटामाइसिन, या फिर वैनकोमाइसिन विद जेंटामाइसिन, ये तुम्हारी एंट्रोकोकल एसएबीई को तुम्हारी मार डालती है, एंट्रोकोकल एसएबीई को तुम्हारी ठीक कर देती है। इसके अलावा कार्बेनिसिलिन या फिर टाइकारसिलिन को अगर जेंटामाइसिन के साथ मिला रहे हो तो न्यूट्रोफिलिक पेशेंट में स्यूडोमोनास को मार डालती है। सेफ्टाजिलिन को अगर हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ दिए तो ऑर्थोपेडिक्स प्रोस्थेटिक्स में स्यूडोमोनास को मार डालती है, और रिफैम्पिसिन को अगर आइसोनियाजिड के साथ चलाए तो टीबी को मार डाल रही होती है। फिर देखिए, एक बैक्टीरिसाइडल दवाई को अगर दूसरे बैक्टीरिसाइडल दवाई के साथ दे रहे हैं तो एडिटिव इफेक्ट भी दिखा सकती है और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी दिखा सकती है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का एग्जांपल क्या दे रहे हैं, पेनिसिलिन या फिर एम्पीसिलिन को अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर जेंटामाइसिन के साथ चला रहे हो, या फिर वैनकोमाइसिन को जेंटामाइसिन के साथ चला रहे हो तो एंट्रोकोकल एसएबीई को ठीक कर दे रही होती है। कार्बेनिसिलिन या फिर टिकारसिलिन को अगर जेंटामाइसिन के साथ चला जा रहा है तो न्यूट्रोफिलिक पेशेंट में तुम्हारी स्यूडोमोनास को मार डालती है। सेफ्टाजिडिम को अगर हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ चला रहे हो तो ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेसिस में स्यूडोमोनास को मार डालती है, और अगर रिफैम्पिसिन को आइसोनियाजिड के साथ दिया जा रहा हो तो टीबी को ठीक कर दे रही होती है। लेकिन बोला जा रहा है अगर एक बैक्टीरिसाइडल दवाई को दूसरे बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई के साथ दे रहे हैं तो वो तुम्हारी एंटागोनिज्म भी दिखा सकती है या फिर सिनर्जिज्म भी दिखा सकती है। अगर एक बैक्टीरिसाइडल दवाई को दूसरे बैक्टीरियोस्टैटिक दवाई के साथ दे रहे हैं तो ये एंटागोनिज्म भी दिखा सकती है या फिर सिनर्जिज्म भी दिखा सकती है। एंटागोनिज्म कब दिखाती है, पेनिसिलिन को टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोडामफेनिकॉल के साथ नहीं मिलानी होती है न्यूमोकोकाई के लिए। पेनिसिलिन को टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोडामफेनिकॉल के साथ नहीं मिला के देनी होती है न्यूमोकोकाई के लिए। पेनिसिलिन को कभी टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं मिलानी होती है न्यूमोकोकल मेनिनजाइटिस के लिए। पेनिसिलिन को कभी टेट्रासाइक्लिन के साथ नहीं मिलानी होती है न्यूमोकोकल मेनिनजाइटिस के लिए, और पेनिसिलिन को कभी एरिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं देनी होती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। पेनिसिलिन को कभी एरिथ्रोमाइसिन के साथ नहीं देनी होती है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए, और नेरिडिक्सिक एसिड को कभी नाइट्रोफ्यूरांटोइन के साथ नहीं देनी होती है ईकोलाई के लिए। नेरिडिक्सिक एसिड को कभी नाइट्रोफ्यूरांटोइन के साथ नहीं देनी होती है ईकोलाई के लिए। सिनर्जिस्टिक एक्शन देखेंगे, पेनिसिलिन को सल्फोनामाइड के साथ देनी होती है एक्टिनोमाइसिस के लिए। पेनिसिलिन को सल्फोनामाइड के साथ देनी होती है एक्टिनोमाइसिस के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन को टेट्रासाइक्लिन के साथ देनी होती है ब्रुसेला के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन को टेट्रासाइक्लिन के साथ देनी होती है ब्रुसेला के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन को क्लोडामफेनिकॉल के साथ देनी होती है क्लेब्सिएला निमोनिया के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन को क्लोडामफेनिकॉल के साथ देनी होती है क्लेब्सिएला निमोनिया के लिए, और रिफैम्पिसिन को डैप्सोन के साथ देनी होती है लेप्रोसी के लिए। रिफैम्पिसिन को डैप्सोन के साथ देनी होती है लेप्रोसी के लिए। कॉम्बिनेशन जो हम लोग देते हैं साइड दवाई के साइड इफेक्ट को घटाने के लिए, वो कौन से
इंटरस स्टेप्टोमाइसिन को पेनिसिलिन जी के साथ देनी होती है ऐसे बी बाई स्टेप्टोकोकस फेकलिस के लिए। कॉम्बिनेशन जो साइड इफेक्ट घटा देती है दवाई की होते हैं स्टेप्टोमाइसिन को पेनिसिलिन जी के साथ देनी होती है ऐसे बी और बाई स्टेप्टोकोकस फेकलिस के लिए। एम्फोट्रेसिन बी को रिफेम्पिन या फिर मिनोसाइक्लिन के साथ देनी होती है फंजाई के लिए। एम्फोट्रेसिन बी को रिफेम्पिन या फिर मिनोसाइक्लिन के साथ देनी होती है फंजाई के लिए। और एम्फोट्रेसिन बी को फ्लूसाइटोसिन के साथ देनी होती है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। एम्फोट्रेसिन बी को फ्लूसाइटोसिन के साथ देनी होती है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल बोल रहा है वो कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करती है वो कौन कौन से होते हैं, एटीटी की रेजिमेन, एचएआरटी की रेजिमेन, मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर लेप्रोसी एंड एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट रेजिमेन। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन जो तुम्हें रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करती है उसके एग्जांपल है एटीटी की रेजिमेन, एचएआरटी की रेजिमेन, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट फॉर लेप्रोसी और एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट रेजिमेन।